वाराणसी में शुक्रवार को हुए कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान लांजी विधायक हिना कावरे के द्वारा कांग्रेस छोड़े जाने और भाजपा पार्टी के द्वारा शामिल नहीं किए जाने को लेकर वाराणसी विधायक प्रदीप जायसवाल पर की गई थी टिप्पणी। वाराणसी विधायक प्रदीप जायसवाल पर की गई टिप्पणी के विरोध में सोशल मीडिया ग्रुप में वाराणसी विधायक समर्थक विनोद मिश्रा ने लांजी विधायक हिना कावरे पर टिप्पणी में कहा चोर। वाराणसी विधायक प्रदीप जायसवाल के समर्थक विनोद मिश्रा के विरोध में लामबंद हुए वाराणसी के कांग्रेसी विनोद मिश्रा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को सौंपा ज्ञापन। लांजी के पूर्व विधायक किशोर स्मृति के द्वारा लांजी और बहला थाने के अंतर्गत दलित आदिवासी युवती के साथ में गैंगरेप हत्या के प्रकरण को करवाया गया रीओपन। लांजी के पूर्व विधायक किशोर स्मृति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी याचिका, सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद तीन मामलों को रीओपन किए जाने की मिली इजाजत। पहला केस 8 मई 2017 का है, जिसके तहत लांजी थाना के अंतर्गत परसवाड़ा निवासी प्रियंका पिता धनराज ओके से सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर उसके घर के पीछे उसे जिंदा जला दिया गया था, जिसमें मृतिका के भाई को ही आरोपी बनाकर न्यायालय में पेश किया गया था। दूसरे केस के अनुसार 14 से 16 जनवरी 2011 के मध्य बहला थाना के अंतर्गत बोर्डी गांव में स्थानीय निवासी रेखा पिता राजकुमार रामटेके के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। इस मामले में जिन आरोपियों पर दुष्कर्म और हत्या के आरोप लगे थे उन्हें बरी कर दिया गया था। इसी तरह तीसरे मामले में बहला थाना के अंतर्गत मिरिया गांव में अनिराम चौहान पुत्र मंगल सिंह चौहान की लाश उसी के खेत में 4 अक्टूबर 2020 को मिली थी, जहां मृतकों के परिजनों के द्वारा अनिराम की हत्या कर लाश फांसी पर लटकाए जाने का आरोप लगाया गया था, लेकिन इस मामले में अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर सुरभाई पंचायत के अंतर्गत सुरभाई टोला पहुंच मार्ग पूरी तरह से जर्जर, पैदल चलने लायक नहीं बची सड़क, स्थानीय जनों ने बताई परेशानी, सड़क बनाने की रखी मांग। सुरभाई पंचायत के द्वारा कुछ वर्ष पहले ही सुरभाई से सुरभाई टोला पहुंच मार्ग को प्रधानमंत्री सड़क योजना को किया गया था हस्तांतरित, बावजूद इसके कि विभाग शासन प्रशासन ने नहीं दिया अभी तक ध्यान, लोग हो रहे परेशान। जिला सिवनी में बनगंगा नदी पर बने भीमगढ़ डैम का बड़ा जलस्तर, भीमगढ़ 90% से अधिक भरने पर शनिवार की रात को छोड़ा गया पानी। संजय सरोवर जलाशय भीमगढ़ के अधिकारियों से मिल रही जानकारी के अनुसार भीमगढ़ बांध के गेट खोले जाएंगे, जिससे 10,000 घन प्रति सेकंड पानी नदी में छोड़ा जाएगा। रविवार की सुबह तक बनगंगा नदी का जलस्तर 3 से 4 फीट तक बढ़ जाएगा। दहेज की मांग को लेकर एक और नवविवाहिता से उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने की मारपीट, विवाहिता की शिकायत पर ससुराल पक्ष के लोगों पर दर्ज हुआ मामला। ग्रामीण थाना के नेत्रा गांव निवासी हेमंत ठकरेले की शिकायत पर उसके पति राजकुमार ठकरेले और सास धर्मवंती ठकरेले के विरुद्ध दर्ज हुआ मामला। शहर के मोतीनगर चौक स्थित दुर्गा मंदिर में चोरी की वारदात, स्थानीय जनों की तत्परता से पकड़ाया आरोपी, कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया मामला। जिले के सभी 5 न्यायालय परिसर में हुआ कोविड वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरनाथ केसरवानी ने वैक्सीनेशन का किया निरीक्षण। बिरसा तहसील में शिक्षा व्यवस्था बहुत अधिक बदहाल, 19 स्कूल शिक्षक विहीन तो 63 स्कूल एक शिक्षक के भरोसे संचालित, जल्द ही अतिथियों की भर्ती करने के संकुल प्राचार्य को दिए गए निर्देश। लालबरा तहसील में 24 घंटे बिजली दिए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस सेवा दल लालबरा ने जिला प्रशासन और बिजली वितरण कंपनी के अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। जिले के भीतर मिलावट पर शुरू हुई कार्रवाई, किराना दुकान मेडिकल स्टोर्स पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने की जांच, सेरेलेक्स के डब्बे में मिली इल्ली।
शहर के वार्ड नंबर 18 डॉक्टर देवरस गली स्थित सॉफ्टवेयर इंजीनियर के परिवार के सुनी मकान से अज्ञात चोरों ने जेवरातों की चोरी की। सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी कैमरा और हार्ड डिस्क भी ले गए चोर। बारासोनी भाजपा नगर मंडल के द्वारा आयोजित किया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती का कार्यक्रम। बरवेली पंचायत के सदस्यों ने अतिक्रमण हटाने के लिए थाने में की शिकायत। अतिक्रमणकारी ने दी जानकारी, जमीन के है पूरे कागजात। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के शहर के डाइट स्कूल में आयोजित की गई बैठक। आगामी आंदोलन के लिए बनाई गई रूपरेखा, पदोन्नति सहित अन्य मुद्दों पर हुआ गहन मंथन। बारासोनी विधायक प्रदीप जायसवाल के मीडिया प्रभारी विनोद मिश्रा के द्वारा की गई लांजी विधायक हिना कावरे पर आपत्तिजनक टिप्पणी। बारासोनी में कांग्रेस ने किया विरोध, थाने में दर्ज कराई शिकायत, कार्रवाई की मांग की। शहर के वार्ड नंबर 24 निवासी 20 वर्षीय युवती ने लगाया सलमान उर्फ क्षमा सेंडे पर दुष्कर्म का आरोप। घटना के बाद से आरोपी फरार। क्षमा झंडे